₹10 चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड। बेटू नगर नाम के गांव के लोगों को खाने का बहुत शौक था। वो सब ठेलों में बिकने वाले चटपटी चीजें बहुत खाते थे। उस गांव के सारे ढाबे हमेशा भरे रहते थे। एक दिन मिथुन नाम का व्यक्ति एक ट्रॉली भर के चिकन बिरयानी लेकर उस गांव में पहुंचा। उसने अपना ऑटो गांव के बीचों बीच चौपाल में रोका। उसने हाथ में एक माइक पकड़ा और गांव वालों को एक खुशखबरी, अब हमारा मशहूर 10 रुपीस चिकन बिरयानी आपके गांव पहुंच चुका है। हम जानते हैं कि आप सब खाने के बड़े शौकीन हैं, इसीलिए खास बना हमारा चिकन बिरयानी आपको खिलाने लाए हैं। आगे बढ़िए, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि ये सारा चिकन बिरयानी खाली हो जाए। खाकर इसका स्वाद लीजिए। आओ भाई आओ, ऐसा चिल्लाने लगा। ये सुनकर कुछ लोग उसके ऑटो के पास आकर खड़े हो गए। लट्टू नाम का एक मोटा आदमी, अरे हम खाने के शौकीन तो हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि तुम कहो कि 10 रुपए में चिकन बिरयानी दोगे और हम मान लेंगे। हैं? अगर तुम इतने सस्ते में ये बेच रहे हो तो जरूर ये कौवे की बिरयानी होगी, ढाबे में बचे हुए चावल से बनाया होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा प्लेट 1 रुपए के सिक्के जितना होगा। क्यों, यही बात है ना? तब मिथुन, देखिए साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। ये देसी मुर्गी का बना हुआ चिकन बिरयानी है और घी डालकर अव्वल दर्जे के बासमती राइस का बनाया हुआ है। और रही बात प्लेट के साइज की, मैं आपको एक प्लेट देता हूँ, आप खुद ही बताइए। तब मिथुन ने उसे एक प्लेट में लेग पीस और ब्रेस्ट पीस के साथ बिरयानी डालकर दिया। लट्टू ने बिरयानी का स्वाद चखा, उससे रहा नहीं गया, वो सारा प्लेट खा गया। मिथुन, अब बताइए सर, कैसा है हमारा 10 रुपए का चिकन बिरयानी? लट्टू, अरे वाह, इस बिरयानी के लिए 10 रुपए नहीं 100 रुपए देना भी कम होगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप यूं ही हर रोज आएंगे? मिथुन, क्यों नहीं आऊंगा साहब, यही तो मेरा धंधा है। इस तरह लोग उस 10 रुपए की बिरयानी को डट कर खाने लगे। केवल आधे घंटे में ही ट्रॉली का सारा बिरयानी बिक गया। इस तरह हर रोज मिठिन ट्रॉली भरकर बिरयानी लाकर बेचने लगा। लट्टू और गांव वाले बड़े चस्के के साथ खाने लगे। एक हफ्ते बाद लट्टू और गांव वाले मिठुन के ऑटो के आने का इंतजार करने लगे। दोपहर के 3 बज गए, फिर भी ऑटो नहीं आया। लोग धूप में बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तभी लट्टू की पत्नी नमिता वहाँ पहुँची और, क्यों जी, घर आकर खाने के बजाय आप यूं धूप में क्यों खड़े हैं और ये सब कौन है? लट्टू, हम लोग 10 रुपए के बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। वो हर रोज ठीक 12 बजे ऑटो लेकर आता था, पता नहीं आज क्यों अब तक नहीं आया। अरे हमारे पेट पे तो रेलगाड़ी चल रही है। नमिता, अच्छा तो हर रोज घर पर लंच के लिए ना पहुंचने की ये वजह है? पर इस गांव में बिरयानी के ढाबे तो बहुत है, अगर खाने का शौक है तो किसी भी ढाबे में जाकर खाओ। तब दूसरा व्यक्ति, अरे बहन तुम चुप रहो, हम मिथुन भाई के बिरयानी के अलावा और कोई बिरयानी नहीं खाएंगे और ना ही खा सकते हैं। तुम्हें क्या पता उसके स्वाद का मजा, चाहे जितनी देर हो जाए हम इंतजार करेंगे पर किसी और के बनाया हुआ बिरयानी नहीं खाएंगे। सबने हाथ ऊपर उठाए, बिरयानी कहकर क्रांतिकारियों की तरह हाथ उठाकर नारे लगाने लगे। नमिता सोचने लगी कि ये लोग यूं अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस तरह लट्टू और दूसरे गांव वाले हर रोज दोपहर से शाम तक मिठुन के ऑटो के आने का इंतजार करने लगे। उन लोगों ने पानी को भी हाथ नहीं लगाया। 4 दिनों बाद मिठुन अपने ऑटो में बिरयानी लेकर आया। सब गांव वाले अपने अपने प्लेटों को ऊपर उठाकर बिरयानी की मांग करने लगे। मिठुन, सॉरी ब्रदर्स, आज से बिरयानी का दाम है 1 प्लेट 2000 रुपए, अगर इच्छा हो तो खाइए वरना रहने दीजिए। लट्टू, अरे कोई बात नहीं भैया, पहले वो बिरयानी मेरे प्लेट में तो डालो, भगवान तुम्हारा भला करे। मिठुन ने उसके प्लेट में बिरयानी डाला। यूं लोग उसके बिरयानी पर टूट पड़े। सब ने मिठुन को 2000 रुपए दिए। इस तरह मिठुन हर रोज 2000 रुपए प्रति प्लेट चिकन बिरयानी बेचने लगा। एक दिन लट्टू मिठुन का बिरयानी खाने के लिए अलमारी में से अपने पत्नी के गहने चुराए। ये देखकर नमिता परेशान हो गई। तभी उसकी पड़ोसन, बहन सुना है कि उस कलमुए मिट्टू ने बिरयानी का दाम 10 रुपए प्लेट से 2000 रुपए प्लेट बढ़ा दिया है और मेरे पति हर रोज कोई ना कोई वस्तु को गिरवी रखकर उसे खाते हैं, पता नहीं ये कैसी लत है, कहकर दुखी होने लगी। नमिता को बात समझ में आ गई।
वो तुरंत उस गांव के वैद्य से जा मिली और उन्हें ये सब बात बताया। ये सुनकर वैद्य, बाप रे, लगता है उसने उस बिरयानी में कोई नशीली पदार्थ मिलाया और उसे 10 रुपए प्रति प्लेट बेचा और लोगों को उसकी लत लग गई। अब अगर वो उसका 10,000 रुपए भी मांगेगा तब भी लोग देंगे। वो नशीली पदार्थ बहुत पावरफुल है, पर तुम चिंता ना करो बेटी, मेरे पास उसका तोड़ है। उसके साथ मैं कोई दूसरा दवाई भी मिलाकर दूंगा, तुम देखती जाओ कि क्या होता है। नमिता बहुत खुश हुई, वैद्य ने उसे वो दवाई दी। अगले दिन मिठुन के ऑटो वहां पहुंची। नमिता उस ऑटो के पीछे चुपचाप गई और उस बिरयानी में वो नशीली दवाई का तोड़ मिलाया। लट्टू और दूसरे गांव वाले वो बिरयानी खाने लगे। मिठुन, ब्रदर्स, आज से बिरयानी 4,000 रुपए प्रति प्लेट है, जल्दी पैसे निकालिए वरना मैं कल से नहीं आऊंगा। लट्टू, क्यों रे कमीने, इस घटिया बिरयानी को हमें हजारों के दाम पर बेचते हो। इस घटिया बिरयानी को खिलाने की सजा है कि तुम्हें हम सबको 1,00,000 रुपए का हर्जाना भरना होगा, वरना हमारे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर मिथुन परेशान हो गया। लट्टू, जब तक ये पैसे नहीं देगा चलो इसे मारते हैं। सब मिलकर मिथुन को मारने लगे। मिथुन, बाप रे, अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो, करकर चिल्लाने लगा। इस तरह मिथुन ने सबको 1,00,000 रुपए दिए। तभी नमिता पुलिस को लेकर वहां पहुंची। एसआई मिथुन को देखकर, ये तो बिस्कुट में नशीली पदार्थ मिलाकर ट्रेन में पैसेंजरों को देता था और उन्हें लूटा था। सरकार ने इसे पकड़वाने के लिए जो इनाम रखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सब ने जोर से ताली बजाई।